हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश और आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल रिटेलर हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ हेल्पफुल और नॉलेजफुल भी होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको एयरटेल के तीन बड़े FR प्लान के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर 249, 219 और यहाँ पर 149 के बारे में। और इस पर जो है दो अलग अलग कमीशन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर जो है एयरटेल का नया सिम एक्टिवेशन करते हो या फिर आप यहाँ पर एयरटेल का MNP करते हो तो यहाँ पर जो है दोनों में कितने कितने का यहाँ पर जो है आपको कमीशन देखने को मिलेगा एयरटेल की ओर से, वो सब हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर रोजाना देख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे जो है एयरटेल का नया सिम एक्टिवेशन करते हो या फिर आप यहाँ पे एयरटेल का MNP करते हो, और अगर आप यहाँ पे जो है एक्टिवेशन करते वक्त या फिर आप यहाँ पे MNP करते वक्त अगर आप यहाँ पे FR यूज करते हो 249 का, 219 का या फिर यहाँ पर 149 का, तो कौन सा FR पे यहाँ पर जो है आपको कितने का कमीशन मिलेगा, कौन सा FR पे जो है आपको कितने का लागत पड़ेगा एक्टिवेशन पे और यहाँ पर MNP पे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं न्यू एक्टिवेशन के बारे में। अगर आप यहाँ पे जो है एयरटेल का नया एक्टिवेशन करते हो तो यहाँ पर आपको कितने का कमीशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे नया एक्टिवेशन करते हो, नया सिम चालू करते हो एयरटेल का, और सिम चालू करते वक्त अगर आप यहाँ पे FR यूज करते हो 249 का, तो इस FR में जो आपको कमीशन मिलेगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा 158 रुपये का। तो जो 158 रुपये का कमीशन है वो यहाँ पर आपको कैसे यहाँ पर जो है 158 रुपये का यहाँ पर कमीशन मिल रहा है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पे जो है कस्टमर का FR करोगे 249 का, तो जो रिचार्ज मार्जिन कमीशन होता है जो 6% यहाँ पर कंपनी की ओर से दिया जा रहा है, उस पर जो आपको कमीशन आ जाएगा वो यहां पर 15 रुपया का कमीशन आ जाएगा। उसके बाद यहां पर जैसे ही कस्टमर का जो है सिम चालू हो जाता है और 3 दिन बाद जो आपका पे आउट होता है, उस पे आउट में आपका जो कमीशन आएगा वो यहां पर आपको 143 रुपया आएगा। तो 143 रुपया इधर और यहां पर जो है आपको 15 रुपया इधर, तो कुल मिला के आपको जो यहां पर कमीशन हो जाएगा वो यहां पर एक सिम एक्टिवेशन पे 249 के FR पे आपको 158 रुपया का यहां पर जो है कमीशन देखने को मिलेगा। और इस FR में जो आपको लागत पड़ेगा इस FR को करने में वो यहां पर सिर्फ 91 रुपया का FR में आपको जो है लागत पड़ने वाला है। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट FR की ओर। जो यहां पर नेक्स्ट FR निकल कर आता है वो यहां पर आपको 219 का, और अगर आप यहां पे जो है नया सिम एक्टिवेशन करते वक्त इस FR को यूज करते हो तो इस FR में जो आपको कमीशन मिलेगा वो यहां पर मिलेगा 126 रुपए का। तो यहां पर 126 रुपए का कमीशन कैसे मिलेगा, तो चलिए यहां पर मैं आपको इसके बारे में भी यहां पर डिटेल से बता दूं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहां पे जो है कस्टमर का FR करोगे 249 का एक्टिवेशन करते वक्त, तो यहां पर जो आपको 6% जो रिचार्ज मार्जिन कमीशन होता है वो यहां पर आ जाएगा आपको 13 रुपया। और फिर उसके बाद जो है कस्टमर का 3 दिन बाद जो बैक पे आउट आएगा सिम एक्टिवेशन का, उसमें आएगा आपको 113 रुपया का। तो कुल मिला के यहां पर जो आपको कमीशन हो जाएगा वो यहां पर आपको एक सिम एक्टिवेशन करते वक्त इस FR को अगर आप यूज करोगे तो यहां पर जो आपको टोटली कमीशन आ जाएगा वो यहां पर आ जाएगा 126 रुपये का। और इस FR में जो आपको लागत पड़ेगा इस FR को करने में वो यहां पर आपको 93 रुपये का इस FR में आपको लागत पड़ने वाला है। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट FR की, और नेक्स्ट FR जो निकल कर आता है वो यहां पर आपको 149 रुपये का, और अगर आप यहां पर एक्टिवेशन करते वक्त अगर इस FR को यूज करते हो तो इस FR में जो आपको कमीशन मिलेगा वो यहां पर मिलेगा 69 रुपये का। 69 रुपये का कमीशन कैसे मिलेगा, तो चलिए मैं आपको डिटेल से बता दूं। तो फ्रेंड्स, जैसे यहां पर जो आप कस्टमर का इस FR को यूज करोगे एक्टिवेशन करते वक्त, तो यहां पर जो आपको रिचार्ज मार्जिन कमीशन जो होता है जो 6% का होता है वो यहां पर आ जाएगा आपको 9 रुपये का। और उसके बाद यहां पर जो बैक पे आउट होता है, जो यहां पर बैक पे आउट आपको 3 दिन बाद देखने को मिलता है एक्टिवेशन का, वो यहां पर आपको आ जाएगा 60 रुपये का। तो कुल मिला के आपको जो है यहां पर टोटली कमीशन हो जाएगा वो यहां पर आ जाएगा 69 रुपये का। और इस FR का हम लागत का बात करें FRC करते वक्त, अगर आप इस FR को यूज करते हो तो इसमें जो आपको लागत पड़ेगा वो यहां पर आपको सिर्फ 80 रुपया इस FR को करने में यहां पर लागत पड़ेगा। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं MNP कमीशन के बारे में। और अगर आप जो है यहां पर एयरटेल का MNP करते हो और MNP करते वक्त अगर आप जो है इनमें से कोई भी FR को यूज करते हो तो यहां पर आपको कितने का कमीशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 249 FR की ओर से। अगर आप यहां पर जो है 249 FR करते हो MNP करते वक्त, तो इस FR में जो आपको कमीशन मिलेगा वो यहां पर आपको मिलेगा 243 रुपये का। और 243 रुपये का कमीशन कैसे मिलेगा, तो चलिए मैं आपको डिटेल से समझा दूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जैसे ही आप जो है कस्टमर का FR करोगे 249 का, तो इस पर जो आपको 6% जो रिचार्ज मार्जिन कमीशन आता है वो यहां पर आपको आ जाएगा 15 रुपये का। और 15 रुपये के बाद जो आपको कस्टमर का 3 दिन बाद, अगर लोकल ID से आपने सिम चालू किया तो 3 दिन बाद यहां पर जो है 3 से 4 दिनों के बाद यहां पर कस्टमर का सिम चालू हो जाता है, और जैसे ही चालू होगा तो यहां पर जो आपको कमीशन आएगा वो यहां पर आएगा आपको 228 रुपये का, 228 प्लस यहां पर जो है आपको 15 रुपये का। और अगर आप अदर स्टेट के डॉक्यूमेंट से अदर स्टेट का जो है सिम कार्ड
आपको एमएनपी करते हो तो यहां पर जो है आपको 7 दिनों से लेकर 10 दिनों का यहां पर समय लग जाता है और 7 से 10 दिनों के बाद जो है आपका यहां पर पे आउट आता है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है इस एफआर को यूज करते वक्त अगर आप इस एफआर को यहां पर करते हो एमएनपी करते वक्त तो इस एफआर में जो आपको कमीशन आएगा वो यहां पर टोटली 243 रुपया का यहां पर कमीशन आएगा। और इस एफआर का यहां पर हम बात करते हैं लागत के बारे में, तो यहां पर जो इस एफआर को अगर आपको करने में यहां पर जो लागत आता है वो यहां पर आपको सिर्फ 6 रुपया का यहां पर लागत पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट एफआर की, और अगर आप यहां पर जो है एमएनपी करते वक्त 219 का एफआर करते हो तो इस एफआर में जो आपको यहां पर कमीशन मिलेगा वो यहां पर टोटली 211 रुपया मिलेगा। और 11 रुपया यहां पर कैसे मिलेगा तो चलिए मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल से यहां पर समझा दूं। तो फ्रेंड्स यहां पर जैसे ही आप एमएनपी करोगे और इस एफआर को यूज करोगे तो यहां पर जो 6% जो रिचार्ज मार्जिन कमीशन आता है वो यहां पर आएगा आपको 13 रुपया का। उसके बाद यहां पर जो आपको 3 दिन या फिर यहां पर कह लें सप्ते भर के बाद यहां पर जो आपको पे आउट आएगा कस्टमर का सिम चालू होने के बाद LT3 कंप्लीट होने के बाद वो यहां पर आ जाएगा आपको 198 रुपया का। तो 198 प्लस यहां पर जो है आपको 13 रुपया, तो यहां पर जो है टोटली कमीशन हो जाएगा 211 रुपया। और इस एफआर को जो आपको यहां पर लागत पड़ेगा एमएनपी करते वक्त इस एफआर को अगर आप यूज करोगे तो यहां पर जो आपको लागत पड़ता है वो यहां पर सिर्फ आपको 8 रुपया इस एफआर को करने में यहां पर आपको लागत पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट एफआर की, और जो यहां पर नेक्स्ट एफआर निकल कर आता है वो यहां पर 149 का। और यहां पर अगर आप एमएनपी करते वक्त इस एफआर को यूज करते हो तो यहां पर जो आपको कमीशन मिलेगा वो यहां पर टोटली 127 रुपया इस एफआर को करने में यहां पर आपको कमीशन दिया जाएगा। तो चलिए यहां पर भी हम आपको डिटेल से समझाते हैं कि अगर आप जो है इस एफआर को करते हो तो कैसे यहां पर आपका 127 रुपया का कमीशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस एफआर में आपको जो है कमीशन जो आपको मिलेगा वो यहां पर डायरेक्ट यहां पर जो है आप एफआर करते वक्त एफआर को यूज करते हो 249 का तो यहां पर आपको जो 6% जो रिचार्ज मार्जिन कमीशन होता है वो यहां पर आपको आ जाएगा 9 रुपया। और 9 रुपया के बाद यहां पर जो 3 दिन या फिर यहां पर 7 दिन के बाद जो यहां पर LT3 कंप्लीट होने के बाद कस्टमर का जो एमएनपी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर जो आपको पे आउट आएगा वो यहां पर आएगा आपको 118 रुपया का। तो 118 और प्लस यहां पर 9 रुपया, तो कुल मिलाकर यहां पर जो आपको कमीशन हो जाएगा वो यहां पर आपको 127 रुपया इस एफआर को करने में यहां पर आपको कमीशन मिलेगा। एफआर में जो आपको लागत पड़ने वाला है वो यहां पर सिर्फ 22 रुपया का यहां पर आपको लागत पड़ने वाला है एमएनपी करते वक्त। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के जरिए मैं आपको इन्हीं 3 एफआर के बारे में बताने वाला था कि यहां पर जो है आपको एमएनपी पे कितना कमीशन मिलता है और यहां पर एक्टिवेशन यानी कि न्यू सिम चालू करने में यहां पर आपको कितना कमीशन मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को भी लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खास करके यहां पर जो एयरटेल का न्यू रिटेलर है उनके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल या सुझाव तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, नहीं तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे से डायरेक्ट यहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम जो भी डाउट हो उसे आप यहां पे क्लियर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑल पर प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव यहां पर रोजाना देख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।